नमस्कार तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मून इन द फोर्थ हाउस की बात हो रही है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में कैसे एक्स देता है और कैसे वो आपकी लाइफ में प्रभाव दे रहा है इसके बारे में जानेंगे तो अपना बर्थ चार्ट खोल के देखिए कि कौन से भाव में है चंद्रमा और बात करने जा रहे हैं चतुर्थ भाव की तो क्या दिखता है हमें फोर्थ हाउस से हमारा परिवार हमारी माँ अ माँ का प्यार मन हमारा मन कैसा है हम कितने इमोशनल हैं हमारे इमोशंस कैसे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स हमें दिखते हैं वहाँ से हमारा घर दिखता है हमारा होमलैंड जहाँ पे हम बॉर्न होते हैं वो हमारा बचपन यानी चाइल्डहुड वो हम देखते हैं फोर्थ हाउस से और क्योंकि एज पर द बर्थ चार्ट एज पर द कुंडली अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो चतुर्थ भाव जो है मूल भाव है मून uh, का चंद्रमा का तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छे इफेक्ट्स देता है और जब ये बातें हो रही हैं तो इसी के साथ में कि काफ़ी बैलेंस्ड फॉर्म में आपको लगता है कि आप फील करते हैं इन सब कारकों को देखते हुए जो जो जिन नेटिव्स के बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में चंद्रमा होता है उनकी लाइफ पे उनकी मदर के जो संस्कार हैं या टीचिंग्स हैं उनका बहुत इफेक्ट होता है थ्रू द लाइफ पूरे जीवन में आप देखेंगे कि उनके सिद्धांतों को आप बहुत मानते हैं और उनके उनके टीचिंग्स के बेसिस पे आप लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं आप उनको वैल्यू करते हैं आप अपने होमलैंड को बहुत वैल्यू करते हैं और उसके साथ एक अलग कनेक्शन होता है आप देखेंगे कि बहुत सारे बहुत बार ऐसा होता है अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको जब ड्रीम्स भी आते हैं तो आपको अपने उस हाउस के उस जगह के या उन सराउंडिंग्स के आते हैं जहाँ पे आप बॉर्न हुए थे जहाँ आपका चाइल्डहुड निकला था तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं एवरी टाइम बहुत रिलेट करते हैं और उसको घर को परिवार को खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और ट्राई करते हैं कि जितना हो सके मैं अपने परिवार को खुश रखूं आपके फिक्स्ड एसेट्स दिखते हैं यहाँ से आपके व्हीकल्स आपका हाउस हा। 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 आपकी ओन प्रॉपर्टी ये सब आप देखते हैं आपका लैंड जो है और ट्राई भी करते हैं कि जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं होते हैं कि घर पे जितना हो फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड किया जाए वो आपको पसंद आता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी शांत स्वभाव के एक, you know, बहुत ही एक यू नो बहुत शांत सा नेचर होता है अच्छा हेल्प करने में सबसे आगे अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है तुम्हारी मदद कर देंगे मदद कर रहे हैं मतलब मन से मदद कर रहे हैं और जब उनकी मदद कर रहे हैं तो फिर कुछ और नहीं कर रहे सिर्फ उन्हीं की केयर और उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं तो ये एक मन से करने वाला भाव होता है इनका ना कि सिर्फ दिखाने के लिए या बस बोल दिया हाँ ठीक है कर देंगे ऐसा नहीं है जो करते हैं वो मन से करते हैं सो so, इस तरह के लोग होते हैं जिनका चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन है और बहुत ही अच्छी पोजीशन है यदि ये सब चीज़ें आप पॉजिटिविटीज़ नहीं देखते हैं सो so प्लीज़ अपनी मदर की वैल्यू कीजिए मदर को रिस्पेक्ट कीजिए उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाइए और इसी के साथ में अपने फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनको देखिए कि वो आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं चंद्रमा के लिए पानी वेस्ट मत होने दें कभी भी इससे आपके इमोशंस जो हैं वो हिल जाते हैं यानी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं आ, कोई भी कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो ट्राई कीजिए वाटर वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे राइट